फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पाटुवा स्पिरिचुअलिटी और मंडेज ब्लिस में आपका स्वागत है। आज मैंने जो आप लोगों के लिए पिकअप आई लाया है उसमें आपको चूज कैसे करना है कार्ड क्यूज से, मतलब ये एंजल कार्ड्स हैं, ये इल्यूमिनेटी कार्ड्स हैं और ये एंशियंट कार्ड्स हैं टैरो के। तो आप, मैं फिर से उसी प्रोसेस में आपको लेके जाऊंगी। आप लोग आईज क्लोज करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, अपने मन में विजुलाइज करेंगे कि जो भी एंजल्स और स्पिरिचुअल गाइड्स हमारे आसपास हैं वो हमें राइट गाइड करें, हमें राइट पाइल चूज करने में हेल्प करें। और व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, ये टॉपिक आप लोगों ने 61% वोट दिया था, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में अब क्या आने वाला है। और वही प्रोसेस हम करेंगे कि बेल में बजाऊंगी, आप लोग अपना आईज क्लोज कर लीजिए, सांसों पे ध्यान लगाइए। बेल की 3 साउंड बजेंगी, जैसे ही वो साउंड फिनिश होगी आईज क्लोज करें, आईज ओपन करेंगे और देखेंगे कि किस पाइल पे आपका पहला अट्रैक्शन जाता है, एंजल पाइल पे या ये जो ग्रीन कलर का कार्ड है इसकी पाइल पे, या ये ब्राउन कलर का जो कार्ड है इसकी पाइल पे। हालांकि हम रीडिंग में तीनों ही कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए मैंने इसको इस तरह से रख दिया ताकि आपको इजी हो सिलेक्शन करना, और आपके सामने ही मैं शफल करके सारे कार्ड्स निकालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोज योर आइज, उससे पहले चैनल पे नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा लीजिए ताकि बाकी सारे रीडिंग्स आपको मिलते रहे और आप हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। लेट्स स्टार्ट। Pray to the angels that dear angels and spiritual guides, please help me in selecting the right pile for me, which resonates with me and which is right for me. Open your eyes and select your pile. Pile 1 is blue color card, pile 2 is green color card, pile 3 is brown color card. Now, अब आपने select कर लिया होगा, अब हम move करते हैं pile 1 की reading पे, जिन्होंने blue color का card select करा। तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, यानी कि एंजल का कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट करा है, अब हम उनके लिए रीडिंग्स निकालेंगे एंड मैं आप लोगों के सामने ही शफल करूंगी। कार्ड मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको पता चलता रहे कि ये पाइल 1 का रीडिंग है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखे हैं, आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके, अपनी पाइल के टाइम स्टैम्प पे जाके आप रीडिंग्स को कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टैरो से निकालेंगे कुछ कार्ड्स, इल्यूमिनेटी टैरो से कार्ड्स निकालेंगे कुछ हम, और देखेंगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में अब नया क्या आने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देख रहे हैं तभी आप कंसल्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम कुछ कार्ड निकालते हैं। ओके, एंजल मैसेजेस मैं बाद में निकालती हूँ, पहले मैं दोनों टैरो डेक से कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, ये पॉप अप कर रहा है। और ये कार्ड्स हमारे पास 5-1 के सारे निकल आए हैं। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का रिवर्स में है, एम्प्रेस है, एंड देन 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ वैंड्स है। तो सबसे पहले हम इन कार्ड्स को रीड करते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। मुझे ये कार्ड बता रहे हैं कि अभी करंटली, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में नेक्स्ट आने वाला होता है उसका बेस हमारा आज और हमारा गुजरा हुआ कल होता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं, खास करके अगर हम लव लाइफ की बात करें
तो आपको रिलेशनशिप को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मे बी कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, या आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आपके आने शुरू हो गए हैं। कुछ केसेस में, बहुत सारे केसेस में जिन्होंने ये चूज करा है उसमें एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, लेडी का ही कार्ड आ रहा है, तो इन सम केसेस इट माइट बी यू नो फैमिली से कोई लेडी मेंबर का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी लेडी हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई अफेयर भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, या शायद इधर का उधर बात कर रही है, या गलत सलाह दे रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत ही कोइंसिडेंटली और बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका सॉल्यूशन भी कोई लेडी ही देंगी, मतलब कि आपका किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी फीमेल की वजह से रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, तो किसी फीमेल की वजह से ही ये रिलेशनशिप सुधरेगा भी। तो आपकी लाइफ में जल्दी किसी एक ऐसे एल्डरली या कोई मिडिल एज लेडी की एंट्री होने वाली है जो आपको सही सलाह देंगी। अगर आप उनसे सलाह लेते हैं, मे बी हो सकता है कोई काउंसलर हो, कोई स्पिरिचुअल काउंसलर हो, या किसी के पास आप मदद के लिए जाएं, या किसी के तरफ आप मदद के लिए देखें, और वो आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड सही सलाह दे। हो सकता है कि आपके रिलेटेड में भी हो सकता है, कोई रिलेशन में हो सकता है, जैसे कई बार हमारे क्लोज वन होते हैं, कोई बड़ी बहन होती है, कोई मतलब कोई रिलेशन में हुआ, मामी हुई, चाची, मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो जिससे आप प्रॉब्लम अपनी शेयर करेंगे और वो आपका इसका सॉल्यूशन निकालेंगी। खास करके मैरिड लोगों के लिए तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन आपके किसी क्लोज वन के थ्रू ही निकलेगा, जो दोनों से बात करेंगी, बैठेंगी, और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप अच्छा जाना शुरू होगा। हालांकि हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि अगर दो जनों का रिलेशन है तो तीसरे की उसमें एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपके कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं तो आप लोग खुद ही मिलके मैच्योरिटी के साथ इसको टैकल करिए। लेकिन यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि कोई ना कोई आपके शुभचिंतक या कोई एल्डरली लेडी जिनको एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प आउट करेंगी। ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है ये काफी मैनिपुलेटिव है, डिप्लोमेटिक है। इनका जो डिस्क्रिप्शन है ये मुंह पे बहुत मीठी बनती होंगी, आपके लिए बहुत अच्छा सोचती होंगी, मतलब ये प्रिटेंड करती होंगी कि आपके लिए बहुत अच्छा सोचती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ और आपके पार्टनर के सामने कुछ और होंगी। अगर आप फीमेल हैं और इस रीडिंग को कंसल्ट कर रहे हैं तो ये एक अफेयर का कार्ड भी हो सकता है कि कोई लेडी है जो आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड है और चाहती है कि आपका रिश्ता टूट जाए। अगर आप मेल हैं तो ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी कोई फ्रेंड हो या कोई ऐसा इंसान हो जो उनको सही सलाह नहीं दे रहा आउट ऑफ जेलेसी, क्योंकि जेलेसी का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप इस रिलेशन को लेके श्योर नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ट्रबल दे रहा है, आपको लग रहा है कि जितना इमोशंस आपने इस रिलेशन में लगाए हैं उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन रिश्ते जो होते हैं ना वो एक पेड़ की तरह होते हैं, उसको अगर हम प्यार और ट्रस्ट की खाद देते हैं तो वो रिश्ते उसी हिसाब से ग्रो करते हैं। तो यही चीज आपके रिलेशन में है, बहुत जल्दबाजी किसी नतीजे पे पहुंचने की ना करिए और इस रिश्ते की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे मुझे एक ना चीज आपके उसमें भी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके नेचर में ये हैबिट आती जा रही है कि जो चीज आपके पास है उसमें कंटेंटेड नहीं फील करना, उसमें खुश नहीं होना, और फिर ये सोचना कि मेरे पास ये नहीं है या जो, तो उससे क्या होता है कि ब्लॉकेजेस आ जाती है। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है तो वो ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत अच्छी चीजें हैं, टैलेंट्स हैं, आपके लाइफ में काफी कुछ है करने के लिए, लेकिन आप उसकी तरफ तो मुंह मोड़ के बैठ गए हैं और जो चीज आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही है उस पर आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी पोर कर रहे हैं। तो ये आपको बंद करना पड़ेगा, इस हैबिट से आपको निकलना भी पड़ेगा। एक फाइटिंग स्पिरिट, एक स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा जो कि आपके अंदर शुरू से रही है। आपने पहले भी फाइट बैक करा है अपनी लाइफ की सिचुएशन से और अब फिर से लाइफ डिमांड कर रही है कि आप स्ट्रेंथ रखें। जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी इनर कहते हैं ना ताकत होती है, उसको अगर आप बना के रखेंगे तो आप हर सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। यहाँ पे मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं या जो जॉब देख रहे हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार है जिसकी वजह से आपके काम को ड्यू शेयर जो होता है वो नहीं मिल पा रहा है और उसको लेकर आप काफी डिप्रेस फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ के जो लोग हैं
उनको तो बहुत कुछ मिल रहा है और मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहीं पे फिर से कार्ड्स यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो चीज है उसको बचा के रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जहाँ पे हम एफर्ट्स कर सकते हैं वहां तो हम अपनी एनर्जी लगाते नहीं है, और जो चीज हमको नहीं मिल रही होती हम सारी एनर्जी, अपनी सारी थिंकिंग प्रोसेस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो स्ट्रेस वाला हो, वो हम उसमें लगा देते हैं। तो ये जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पेशेंस नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, तो आप स्ट्रेस, अगले कुछ टाइम में आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक सिचुएशन है कि अगर आप ये नहीं करते हैं, अभी और क्या चीज लिखी है आपके लाइफ में आने के लिए वो मैं देख लेती हूँ। देखिए, आपके कोई अगर आप किसी को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, किसी का पूजा करते हैं, मान लीजिए आप साईं बाबा जी को पूजा करते हैं, या आपने कोई गुरु बनाए हैं, या आपके कोई टीचर हैं, या आपके घर में कोई एल्डर पर्सन है, जैसे ग्रैंडफादर हुए या आपके इन-लॉज हुए, कोई ना कोई एक ऐसे एल्डर पर्सन जिनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत लगती हैं और आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप उनकी सेवा अगर करते हैं, उनको उनकी केयर आप करते हैं, तो जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं उनसे आपको ब्लेसिंग्स लेनी है जेन्युइन तरीके से, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वह आपके रुके हुए काम बना देंगे। अब यहाँ पे अगर सिंगल आप हैं और लव रिलेशनशिप में आपके नेक्स्ट क्या आने वाला है, अगर वो मैं देखूं तो आपके जो पार्टनर हैं उनके घर में कोई सीनियर पर्सन यानी कि कोई एल्डर पर्सन, उनकी ब्लेसिंग से आपकी कमिटमेंट एंड आपकी मैरिज होना पॉसिबल है, तो वहां से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, वहां आप थोड़ा सा टाइम भी दीजिए, और सिर्फ इस उससे नहीं, इस सेल्फिशनेस से नहीं कि मुझे ब्लेसिंग लेना है या मेरा कुछ काम बनना है तो मैं उनकी सेवा करूं, मतलब ये आप थोड़ा सा अपने आसपास जो एल्डर लोग हैं जिनको आपका टाइम का जरूरत है, जिनको आपके केयर की जरूरत है, उनका अगर आप केयर करते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप किसी ओल्ड एज होम में जाकर डोनेशन करते हैं, किसी ओल्ड एज होम में डोनेशन करते हैं तो वो आपको इन चीजों में हेल्प करेगा, अगर जॉब में कोई दिक्कत आ रही है या लव में कोई दिक्कत आ रही है उसे निकलने में हेल्प करेगा। यहां मुझे ये भी दिख रहा है कि एंजल्स जो हैं वो आपको ब्लेस कर रही है, मतलब आपके रिलेशनशिप को, आपके जॉब को, आपकी लाइफ को एंजल्स का ब्लेसिंग है। तो नो मैटर कोई आपके प्रति क्या कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में कोई आ रहा है या आपके जॉब में वो आ रहा है, आपके ऊपर एक स्पेशल ब्लेसिंग्स है जो कि एंजल्स की है, तो वो आपको इन सिचुएशन से निकालने में बहुत हेल्प करेगी। देखिए, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं या पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले से बात नहीं करते हैं और उसके बारे में एक इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं और उसी इमेज में हम सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसी सोच के जरिए हमारा वो एक इम्प्रेशन बन जाता है, जबकि सच्चाई बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होती है, जो कि ये भी बोला जाता है ना, एजम्पशन, सेल्फ एजम्पशंस आर वेरी बैड थिंग, मतलब आपने सोचा कि कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो वो इस वजह से कर रहा है या वो आपकी आपको दिखाने के लिए कर रहा है, हो सकता है कि उस इंसान के लाइफ में आपका एग्जिस्टेंस ही ना हो, वो अपनी लाइफ में बिजी हो, या हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो, तो ये चीज से आपको बचना है, क्योंकि ये चीज आपके रिलेशन के लिए भी और जॉब के लिए भी खराब है। तो सेल्फ असम्पशंस मत करिए, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आमने सामने बात करिए, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स का ब्लेसिंग्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, बट ये एक कार्ड से एक वार्निंग का कार्ड होते हैं, बताते हैं कि ये चीजें आने वाली हैं, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये कार्ड बता रहा है कि यू नो आप काफी कंफ्यूजन में है, कुछ चीजों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर आप कंफ्यूजन में है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो डिसीजन सही है नहीं सही है। अगर ये जॉब के केस में आ रहा है तो शायद आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसको आप लेकर काफी कंफ्यूज रहेंगे, ये आपके लाइफ में क्या आने वाला है उसको बता रही हो, अगर नहीं है अभी नहीं है तो ये आने वाला है कि आप कहीं ना कहीं दो डिसीजन में स्टक रहेंगे। अगर आप मैरिज की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लव पार्टनर या कोई और आपकी लाइफ में नया आ रहा है और वहां आप स्टक हो जाएंगे, मतलब ये नहीं कि आप अपने लव पार्टनर से प्यार नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई इंसान आए और आपको रियलाइज हो कि यस
ये हमारा ट्रू सोलमेट है, तो वहां आप स्टक हो सकते हैं, कोई जॉब आपके बीच में स्टक हो सकती है, या फिर किसी जॉब एंड बिजनेस के डिसीजन में आप स्टक हो सकते हैं। मतलब कि आपके लाइफ में जो आने वाली चीजें वो हैं दो चॉइसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, और दोनों ही चॉइसेस काफी लुक्रेटिव होंगी, काफी अच्छी होंगी। वहां आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, एक चॉइस ऐसा होगा जो जिससे आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे, एक चॉइस होगा जो प्रैक्टिकली और हर तरीके से ठीक होगी, तो वहां आपको वो बैलेंस बना के रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माइंड जो है ना आपका, उस माइंड पे वो चीज अटैक करेगी, मतलब माइंड पे वो स्ट्रेस डालेगी और कहीं ना कहीं आपको गिल्ट में डालेगी कि आपको वो करना है, लेकिन आपने वो चीज नहीं करनी है, आपने डिसीजन वही लेना है जो आपका दिल से आएगा, आउट ऑफ गिल्ट या आउट ऑफ मैनिपुलेटेड माइंड, उससे आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपने अपनी कॉन्साइज से, अपनी इंट्यूशन से डिसीजन लेना है। अब मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है कि अभी तक आपने जो भी कुछ बनाया है वो अपनी मेहनत से बनाया है, एक एक करके आपने नींव रखी है, धीरे धीरे आपका वो काम बड़ा है, आपने उसमें से उसी के फल आपको मिल रहे हैं, तो किसी और के कहने पे या कोई और क्या कर रहा है उसके कहने पे आपने अपने डिसीजंस नहीं बदलने, अपनी लाइन नहीं बदलनी, अपना तरीका नहीं बदलना। अब देखिए, ये जो कार्ड्स है ना, ये बहुत सारी डीप चीजें बताती हैं, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप किसी एंशियंट नॉलेज या कोई पुरानी विद्या की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, जो आपको सीखने का मन कर रहा होगा और वो आपको सीखनी चाहिए। आप देखिए, इन कार्ड्स पे भी ना ये कुछ पुराने एनग्रेव्ड हैं, कुछ जैसे पहले टाइम में संस्कृत श्लोक्स या कुछ अलग टाइप के, क्योंकि ये बाहर के पुराने कार्ड्स हैं, तो इसमें दूसरी लैंग्वेज में कुछ एनग्रेव्ड हैं, तो ये मुझे ये बता रहा है कि आप किसी एंशियंट नॉलेज या कोई स्पिरिचुअल विद्या या कोई एंशियंट नॉलेज या किसी पुरानी नॉलेज के तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, और ये सजेशन दे रहा है कि आप अगर ऐसा अट्रैक्ट होते तो आप जरूर करिए उसको, क्योंकि वो आगे जाकर आपके करियर में, आपके फ्यूचर में हेल्प करेगी। अच्छा, अभी ये जो कार्ड है ये अगेन, ये कार्ड ऐसा आ रहा है कि आप अगर किसी स्पिरिचुअल हीलर या स्पिरिचुअल टीचर या अपने कोई गुरु जिनको आप मानते हैं या अपने कोई एल्डर जिनको आप एक टीचर के रूप में देखते हैं, उनसे अगर आप सलाह लेते हैं तो आपको सही सलाह मिलेगी। देखिए, यहाँ पर ये एक टीचर प्रीचर हैं जो आपको मतलब सलाह दे रहे हैं, आप उनकी तरफ हेल्प के लिए जा रहे हैं, और वो आपको कुछ ऐसी विद्या देंगे या पावर देंगे या इनर स्ट्रेंथ देंगे जो आपको लाइफ में आगे जाकर बहुत हेल्प करेगा। तो कुछ ना कुछ आपको कुछ अपने गुरु से या अपने टीचर से या कोई एंशियंट विद्या या नॉलेज प्राप्त होने वाली है जो आपको आगे जाकर हेल्प करेगी। तो दिस इज व्हाट विच इज कमिंग इन योर लाइफ। अब हम कुछ एंजल मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। देखिए, एंजल्स भी मुझे यही बता रही हैं कि कोई लाइफ में कुछ चॉइसेस ऐसे आने वाली हैं जहां पे आप अगर अनवाइज चॉइस ले लेंगे, अगर आप कोई ऐसी चीज चूज कर लेंगे डिसीजन में से जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपकी लाइफ का मोड ही कहीं और चला जाएगा। लेकिन हालांकि अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो एक एक्साइटिंग कोई नया अपॉर्चुनिटी आएगा। कॉम्प्लेक्स डिसीजन का कार्ड आ रहा है जो मुझे अगेन ये बता रहा है कि दो अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें आपको दो चीजों में आपको झूलना पड़ेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी फील्ड में कुछ देख रहे होते हैं और हमको कुछ स्पिरिचुअल या कोई दूसरी फील्ड खींच रही होती है, तो वहां हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं कि भाई हम अपनी फील्ड को छोड़ें या ना छोड़ें, चेंज करें ना करें। इसी तरह का लव में भी कई बार रिलेशनशिप में आ जाता है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज का सामना, कॉम्प्लेक्स डिसीजन का सामना तो आपको करना पड़ सकता है। और वहां पे आपका मेंटल बैलेंस, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आप अपने दिल की आवाज कितनी सुनते हैं, आप अपनी इंट्यूशन कितनी सुनते हैं, वहां वो काम आएगी। और अगर आपने वो डिसीजन वहां से ही ले लिया तो आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, बहुत फ्लरिश करेंगे। इंट्यूशन अगेन इम्पॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स का आ रहा है। कोई भी ऐसे फियर्स जो आपको होल्ड बैक करते हैं कि भाई मैं ये करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं ये करूंगी मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उन चीजों को आपने रिलीज करना है, वो फियर्स आपने रिलीज करने हैं, ताकि जिन चीजों ने आपको रोक रखा है, किसी डर ने आपको रोक रखा है, किसी और चीज ने आपको रोक रखा है, तो वो आपको रिलीज करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे
मूव ऑन कर सकें। जो चीज आप बिलीफ है आपका, जो स्ट्रांग बिलीफ है, जो आपके वैल्यूज है, उन पे आपने स्टैंड अप होना है, उनको गिव अप नहीं करना है दूसरों के लिए। स्टैंड अप योर ग्राउंड एंड चूज योर बैटल्स वाइजली। चूज योर बैटल्स वाइजली मतलब कई बार ऐसा होता है कि लड़ना एडवाइजेबल होता है कि हम सही हैं, हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है छोड़ देना एडवाइजेबल होता है। बिकॉज समटाइम्स पीस जो होती है, जो हमारी ग्रोथ होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसके कि हम अपने आप को राइट साबित करें। और कई बार राइट साबित करने के चक्कर में हम अपने आप को उतने लेवल पे गिरा लेंगे जितना सामने वाला है, और फिर वो सामने वाला तो ऑलरेडी डाउन होता है, तो वो आप उसे जीत नहीं सकते। तो इसलिए जहां पे आपको लगे कि एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो रही है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, वहां आपने एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, वहां आपने आपको ड्रेन आउट नहीं करना है और आगे मूव ऑन करना है, एंड पीस को चूज करना है, ग्रोथ को चूज करना है। तो ये आपका पाइल वन वालों का था कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट ऑन योर लाइफ। अब हम पाइल टू वालों पे मूव करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर दी पाइल टू। जिन्होंने पाइल टू सिलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। जैसा कि मैंने बताया है टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं वीडियो के स्टार्टिंग में जाकर देख सकते हैं कि कैसे चूज करना है बेल प्रोसेस के थ्रू। एंड देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक भी नहीं करा है तो। चलिए देखते हैं। ओके सो आई पुल सेवन कार्ड्स from the Illuminati and I've got Eight of Swords in the reverse. So Eight of Swords reverse में मुझे ये बता रहा है कि अगर आप काफी ज्यादा क्लोज माइंडेड थे चीजों को लेकर, या कहीं ना कहीं आपने होप छोड़ दिया था कि भाई मेरी लाइफ में कोई चीज बेटर हो सकती है। जैसे हम कई सालों तक अगर एक सिचुएशन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो होप छोड़ना शुरू कर देते हैं, और हम उसके साथ उस सिनेरियो के साथ इतना ज्यादा एडजस्ट हो जाते हैं कि वो सिनेरियो अच्छा है या बुरा है, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अब आप धीरे धीरे अपने माइंड को मेकअप कर रहे हैं और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये कार्ड डेफिनेटली मुझको ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, आप ये रियलाइज करेंगे कि आपको अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा, उन चीजों को फेस करना पड़ेगा जिसका डर आपके मन में है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आपके आसपास हैं जो आपको डाउन फील कराते हैं, जो आपको एनकरेज नहीं करते हैं, और आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट टाइम में आप ये रियलाइज करेंगे कि आपको अब उनको अपनी लाइफ से निकालना है। कैसे निकालना है ये कहीं ना कहीं आपको ये बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। अगर कुछ नेगेटिविटीज आपकी लाइफ में है, या किसी इंसान के जेलेसी वाइब्स की वजह से या नेगेटिव वाइब की वजह से आपकी लाइफ में चीजें बिगड़ रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बेटर होनी शुरू होंगी आपके इस रियलाइजेशन के साथ, जहां आप ये डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में बेटरमेंट चाहिए, मैं चेंज होना या होनी चाहती हूँ, वहां आपको वो हेल्प मिलेगी। जब आप उस हेल्प के लिए डिसाइड करेंगे तो यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में आपको वो हेल्प देगा। आप उस चीज से बहुत आसानी से, मतलब आसानी से इन द सेंस ये नहीं कि बिना मेहनत करे या बिना सर्च करे, आप उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, उन नेगेटिविटीज को हटाएंगे और अपनी लाइफ में आप आगे मूव ऑन करने की तरफ जा रहे हैं। मुझे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती नजर आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई लेडी आपकी लाइफ में आएगी जो आपका लेडी लक बनकर आएगी। अगर आप मैरिड हैं तो मे बी आपकी वाइफ या आपकी डॉटर जो है वो आपके लिए लक साबित होंगी। अगर आप जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो जो भी आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट लेडी है, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी डॉटर हो, जिनके साथ आपका क्लोज रिलेशन है, जिन पे आपको ट्रस्ट है, उसके नाम पे अगर आप काम शुरू करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपके लाइफ में लेडी लक का कार्ड आ रहा है। अगर आप खुद लेडी हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी के लिए लेडी लक साबित होंगी, मतलब आपके लाइफ में कोई आएगा और आप उनके लिए काफी लक्की साबित होंगी, और वो आपको हेल्प भी करेंगे, आपके
बंधी हुई सिचुएशन से निकलने के लिए। मे बी अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड आप फेस कर चुके हैं, या आप कहीं भी ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूंगी या निकलूंगी, तो वहां आपको वो हेल्प मिलेगी। एम्परर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में मेल फिगर है जो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, और जो थोड़ा ऐसा हो सकता है जैसे कि वो आपको बहुत ज्यादा बांध के रखते हो, या बहुत ज्यादा चाहते हो कि आप उन्हीं के हिसाब से काम करें, या सारी लाइफ आपकी उन्हीं के हिसाब से चले, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान है। लेकिन एक चीज ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि वो जो भी कुछ है वो आपकी भलाई के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते या आपकी केयर नहीं करते, चाहे वो आपके फादर फिगर हो, चाहे वो आपके लवर हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो। तो आप थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जिसकी वजह से ना रिश्ते भी आपके थोड़े से खराब हो रहे हैं, और ये रिश्ते जो खराब हो रहे हैं ये किसी ऐसे इंसान की वजह से खराब हो रहे हैं जो कहने को तो आपके बहुत क्लोज हैं, लेकिन आपके दिमाग में काफी उल्टी सीधी चीजें भरता या भरती रहती है। तो आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में आप ये रियलाइज करेंगे कि यू नो आई हैव माई ओन माइंड, मेरा अपना एक दिमाग है, मेरी अपनी एक इंट्यूशन है, मेरी अपनी एक कॉन्साइज है, और मुझे अपने हिसाब से चलना। और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे जहाँ पे आप लोगों के प्रति डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। बेसिकली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जाएंगे, आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, मतलब जो आप पहले थे, आपको वो वापस बनना है, और उसी के लिए आप एफर्ट्स करेंगे। इसीलिए सीकर का भी कार्ड आ रहा है जो ये चीज कहता है कि आप अपनी इनसाइट्स, मतलब आप अपने डीपर मन या सोल को इंस्ट्रोस्पेक्ट करेंगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कि बहुत हो गया, अब मैं आई कांट लिव लाइक दिस, आई कांट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एंड आई कांट बी यू नो ऑल द टाइम क्राइंग, क्रीपिंग और इन स्ट्रेस। तो आप उस तरफ कदम उठाएंगे, उस तरफ कदम उठाने के लिए आप रास्ते ढूंढेंगे, और रास्ते आपको मिलेंगे, आप बहुत आसानी से उन चीजों को अचीव करेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बेसिकली आपका सेल्फ को पाने का या खुद को वापस पाने का एक जो प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस में एंटर करेंगे आने वाले लाइफ में। चलिए अब हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं डीपर कार्ड से, ताकि हमको और डीपली पता चल जाए। तो यहाँ मुझे एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, ये जर्नी भी डिनोट करता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी जर्नी पे जाएं, और मतलब आपकी लाइफ एक तरह से एक शून्य पे स्टार्ट होगी, मतलब जहां आप थे वहां पे आप आएंगे, और वहां से अब आपका रास्ता शुरू होगा। जो रास्ता आप चुनेंगे, जिस तरह से आप अपनी लाइफ को बनाना चाहेंगे, वहां से वो बिगनिंग स्टार्ट होगी। और आप ये मन में ठान लेंगे आने वाले टाइम में कि अब मुझे नया बिगनिंग करना है, तो मे बी अ लाइन चेंज, मे बी एक घर चेंज, मे बी एक लाइफ स्टाइल चेंज, ये सारा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहां मुझे ये चीज नजर आ रही है कि लाइफ में आपके बैलेंस आने वाला है, लाइफ आप बैलेंस करेंगे, और उस बैलेंस को करने के लिए कोई ना कोई आपका नोन वन, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, बट फ्रेंड से ज्यादा ना मेरे को यहाँ पे मेंटोर नजर आ रहा है। आपका कोई मेंटोर या कोई पास्ट में कोई आपका मेंटोर रह चुका है जिसने आपको हेल्प करी है, या जिससे आप बहुत टाइम बाद मिलेंगे, वो आपको हेल्प करेगा ये बैलेंस बनाने के लिए। कहीं ना कहीं जो ये रियलाइजेशन आपको हो चुका है कि लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है, और आपको जो चीजें अचीव करनी है उसके लिए बैलेंस की जरूरत है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये रियलाइज करते करते सारे प्रोसेस में आप एक ऐसे स्टेज पे आएंगे जहां पे आपको कुछ नई चीजें सिलेक्ट करनी होंगी, एक नया बिगनिंग स्टेज सिलेक्ट करना होगा, और आप उस बिगनिंग को सिलेक्ट करेंगे भी, देन आप अपनी उस नई जर्नी पे निकलेंगे। मतलब कि नई जर्नी का मतलब फिजिकल जर्नी नहीं होता है। जब भी हम एक स्टेज को एंड करते हैं, या हम एक स्टेज को खत्म करते हैं, और हम एक अपने आप को वापस पाना चाहते हैं, या हम एक न्यू मतलब न्यू वर्जन ऑफ आर सेल्फ, बेसिकली हाँ दिस इज अ राइट सेंटेंस कि यू विल बिकम अ बेटर एंड अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ।
तो यू विल एंटर इनटू अ प्रोसेस, आप एक ऐसे प्रोसेस में एंटर होंगे जहाँ पे आप एक नए और बेटर वर्जन अपने आप अपनी पर्सनालिटी के रूप में, उसमें आप बैलेंसमेंट लाएंगे और इन सब के चलते ना ये आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे आने वाले जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आ रहा है वो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये सारा रियलाइजेशन आ रहा है और इस रियलाइजेशन के चलते जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप एक ऐसे स्टेज पे आएंगे जहाँ पे लोग देखते रह जाएंगे, लोग वंडर करेंगे, ओ वाओ इन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, ओ वाओ हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये बंदा ये बंदी भी कुछ कर सकती है। तो दिस इज समथिंग कि आप अपनी इनर कैपेबिलिटीज, आप अपनी इनर कॉन्साइज, आप अपनी इनर एबिलिटीज को रियलाइज करेंगे और पूरे स्ट्रेंथ के साथ आप अपने आप को गैदर करेंगे, बैलेंस लेकर आएंगे अपनी लाइफ में और एक नई जर्नी, एक नई बिगनिंग की तरफ आप आगे मूव ऑन करेंगे। और ये बिगनिंग आपको कहाँ लेके जाएगी, सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, जहां पे लोग विल वंडर कि हाउ यू हैव गॉट दिस सक्सेस। एंड देन ये बिगनिंग आपको फेम की तरफ लेके जाएगी, जो आपका ड्यू शेयर है, जितनी मेहनत आपने अब तक करी है और लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं करी है वो आप देखेंगे कि लोग रिकॉग्नाइज करें, जो लोग आपसे भागते थे दूर या मे बी आप अपना कुछ प्रॉब्लम शेयर करते थे तो उनको नहीं अच्छा लगता था, वो लोग अब आपके पास एडवाइस के लिए आएंगे आने वाले टाइम में। बट उसके लिए आपको इन सारे स्टेजेस में पार करना पड़ेगा जो पहले मैंने आपको बताया कि भाई आपका रियलाइजेशन होगा, आप उस कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे, बैलेंस लेकर आएंगे, इस तरह से हेल्प मिलेगी वो सारे में। एंड देन अल्टीमेटली इन सारे प्रोसेस में, ओ वाओ एक ग्रेट चीज ये है कि इन सारे प्रोसेस में आपके प्लैनेट्स एंड आपका फॉर्चून एंड आपका स्टार्स भी आपको साथ देगा, मतलब कि वक्त साथ देगा। कहते हैं ना सही वक्त पे सही एफर्ट्स करे हुए हमेशा फ्रूटफुल होते हैं, अगर सही वक्त नहीं है तो आप एफर्ट्स कितने भी अच्छे कर रहे हैं तो वो चीजें डिले होती रहेंगी। तो यहाँ पे वक्त और स्टार्स भी आपका साथ दे रहे हैं। चलिए एंजल्स से जान लेते हैं कि वो क्या बताना चाहती हैं आपके आने वाले लाइफ में, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। जो दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म होंगे, आप कंपटीशन वाले मोड में आएंगे, आप कम्पीट करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, ये मुझे एंजल्स बता रही हैं। इंट्यूशन को सुनिए, अपने अंदर के जो मन है, जो आपके अंदर की एबिलिटीज हैं उनको जगाइए, पेशेंस रखिए, बहुत ही केयरफुली कंसिडर करिए बिफोर कोई भी एक्शन लेने से पहले, बहुत केयरफुल रहिए और तब करिए। इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है तो रिलीज हार्श जजमेंट्स, अगर किसी ने आपके साथ बुरा कुछ करा है जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि आप उस स्टेज से निकल कर आएंगे, उनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, तब तक आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप स्टबर्न रहेंगे कि नहीं मुझे भूलना नहीं है किसी को, अगेन यहाँ पर एंजल्स भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से तीनों कार्ड्स के डेक मैंने आपके सामने निकाले और रेसोनेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया था कि आपको नीड फील होगा कि आप बैलेंस करें, आप उन लोगों से दूर रहना चाहेंगे जो आपके प्रति जेलसी रखते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पर आ रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स जो अदर्स के साथ थे उनको आप एंड करेंगे और गोल्स की तरफ कम्पीट करने के लिए करेंगे। यहाँ पर कार्ड आ रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, आप अपनी इनर कैपेबिलिटीज को जगाएंगे और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपको हेल्प करेगी इसमें। एंड देन यहाँ पर अगेन बैलेंस एंड मॉडरेशन का कार्ड आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने का कार्ड आ रहा है, तो परफेक्ट टाइमिंग आपका अब शुरू होने वाला है, दिस इज व्हाट व्हिच इज कमिंग नेक्स्ट। और बहुत सारे इवेंट्स हैं, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही तेजी से और बहुत ही ग्रेट स्पीड से होगी, तो वहां इन सब चीजों के बावजूद कि इतनी अच्छी चीजें आ रही हैं उसके बावजूद ये भी जरूरी हो जाता है कि आप केयरफुल रहें कि आप क्या डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ पहले भी एक कार्ड आया था कि डिसीजन गलत नहीं लेना है, वही गलती दोबारा नहीं करनी है जो आपने पास्ट में करी थी, तो यू डोंट हैव टू रिपीट द सेम पैटर्न अगेन विच यू हैव बीन रिपीटिंग इट, मतलब काफी टाइम से आपको पैटर्न रिपीट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बिट्रेयल या बाकी चीजें फेस करते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपने वो सेम पैटर्न रिपीट नहीं करना है और केयरफुली डिसीजन लेना है। तो एंजल्स भी मुझको यही बता रही है, सो आई विल विश यू ऑल अ गुड लव, मे यू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, मे यू कम आउट ऑफ योर स्ट्रेस एंड योर थिंग्स विच यू हैव बाउंडेड, एंड मे यू फ्लरिश लाइक अ फ्लावर, ब्लॉसम लाइक अ सन, गेट फेम एंड सक्सेस एंड पावर। ठीक है, तो ये था पाइल टू वालों के लिए, अब हम वो करेंगे पाइल तीन वालों के लिए जिन्होंने ब्राउन कार्ड सिलेक्ट करा था।
तो चलिए मूव करते हैं पाइल तीन वालों के लिए. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, जिन्होंने ये ब्राउन कार्ड सिलेक्ट करा था. और सबसे पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है. तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए. इंस्टाग्राम आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है. और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं टैरो के, तो वो ऑनलाइन वीडियो पे सारे कोर्सेज हो रहे हैं, वो भी आप बुक कर सकते हैं. जो रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं. तो चलिए देख लेते हैं टैरो क्या बता रहा है. तो सबसे पहले टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटाकल्स, फाइव ऑफ पेंटाकल्स एंड टेम्परेंस. तो यहाँ पर हम ओके. सो मुझे जो ये कार्ड्स बता रहे हैं, देखिए अभी आप काफी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल कर आए हैं. आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है. घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं. अगर आप ऑफराइटली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या आपको जॉब नहीं मिल रही है या आप जॉबलेस हैं, तो ये चीजें भी आपकी अब खत्म होने वाली हैं. बैलेंसमेंट का कार्ड आ रहा है जो मुझे अगेन ये बता रहा है कि आपका जो एनर्जी है वो आप बहुत टाइम से गलत चीजों पे फोकस कर रहे थे, जो अब थोड़ा सा बैलेंस में आना शुरू होगा. आपका जो माइंड है या जो आपके एफर्ट्स हैं वो जॉब ढूंढने में या बिजनेस करने में, वो सब में जाना शुरू होंगे. टेन ऑफ कॉर्ड्स वैंड्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि रास्ता बहुत लंबा लग रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेहनत करे जा रहे हैं और जो आपको अचीव करना है लाइफ में वो बहुत दूर है. लेकिन अगेन मुझे टेन ऑफ वैंड्स का, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का ये बता रहा है कि आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है ना. एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन का कार्ड है. लेकिन मुझे एक चीज और ये दिख रही है कि अगर आप जॉब में है तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप बिजनेस की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको खींचेंगे उस तरफ कि आप अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड अगर हैं तो आप कुछ काम करें. बट यहाँ कार्ड मुझे थोड़ा सा ये वार्निंग दे रहा है कि आपने जो मनी इन्वेस्ट करना है किसी भी काम में वो सोच समझ के करना है. सारे, जैसे कहते हैं ना, सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डाल दीजिए कि फूटेंगे तो सब इकट्ठा फूटेंगे. सो दैट इज यू नो समथिंग विच यू हैव टू मेंटेन. यू डोंट हैव टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. आपको जो भी अपने एफर्ट्स करने हैं बहुत सोच समझ के करना है, क्या काम करना है, कैसे स्ट्रैटेजी लगाना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ राइट इन्वेस्टमेंट करना है, और थोड़े से लगाना है. कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा लगाकर जब उसके रिटर्न्स आने शुरू हो जाएं तब आप बाकी इन्वेस्ट करें. क्योंकि यही टेम्परेंस का कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर आपने सारा आउट ऑफ एंग्जाइटी एंड आउट ऑफ यू नो फास्ट सक्सेस अगर आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ट्रबल हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच कर कि भाई हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो हमें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे. नहीं, रिटर्न्स तो आपको अपनी स्पीड से ही मिलेंगे. तो ये चीज आपको बैलेंस लाने की जरूरत है. और दूसरा, अगर जॉब वालों की बात करूं तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई दूसरा जॉब देख रहे हैं, आपको मिल भी जाएगी, बट वहां आपके सामने चॉइसेस ये आएंगी प्रोफाइल वर्सेस सैलरी. कि हो सकता है कि आपको प्रोफाइल बहुत अच्छा मिल रहा हो लेकिन आपको सैलरी सेम मिल रही हो या कम मिल रही हो, और आपको हो सकता है सैलरी बहुत अच्छी मिल रही हो और प्रोफाइल ना मिल रहा हो. तो सजेशन कार्ड चीज दे रहे हैं कि बैलेंस डिसीजन लीजिएगा. प्रोफाइल इज मोर इम्पोर्टेंट, सैलरी तो आप फिर भी अटेंड कर लेंगे अगर आपने उसमें अपनी एक्सीलेंट या एक्सेल कर लिया उस फील्ड में. अच्छा, यहाँ ये आ रहा है कि यू नो यू हैव बीन ऑफ राइटली
pouring lot of your energies to others, मतलब कहीं ना कहीं आपका मनी लक कहीं ट्रांसफर हो रहा है किसी के पास, मतलब वो एनर्जी आपकी क्लैश कर रही है. तो दिस कार्ड इज सजेस्टिंग यू टू डू लिटिल कॉर्ड कटिंग सेशंस. मतलब कॉर्ड कटिंग का मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर ही आप सर्च कर सकते हैं कॉर्ड कटिंग प्रोसेस बाय मोनिका अग्रवाल. तो वहां आप कॉर्ड कटिंग आप थोड़ा सा करिए. उसमें करना क्या होता है, उसमें जस्ट आपको 2 मिनट्स मेडिटेशन करके आपके ऑरा में जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स या एक्सटर्नल कॉर्ड्स होते हैं वो कट करने होते हैं. तो उससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी कहीं और पोर हो रहा है वो आपके पास रहेगा एंड आपको मनी फ्लरिशमेंट या फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे या जो आपका ड्यू शेयर है वो आपको मिलेगा. मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाली लाइफ में कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो, देखो ये कार्ड ना मुझे स्पेशली लव लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है. मतलब कि अगर हम लव पार्टनर की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई आप किसी से मिले, आपका अटैचमेंट उससे हो जाए, आपका लव उससे हो जाए, लेकिन वो इंसान ट्रू ना हो और वो आपके पास अपने गुड रीजंस की वजह से हो, आपके पैसे की वजह से या आपके कॉन्टेक्ट की वजह से या आप जिस पोजिशन पे हैं उस वजह से. सो दिस इज अ काइंड ऑफ यू नो वार्निंग कार्ड. और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जो भी इंसान होगा उसके आपका पास्ट लाइफ से उसका कनेक्शन होगा, जिसकी वजह से ना वो आपके माइंड पे भी हो सकता है कि हावी हो जाए. तो यहाँ आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. नो समबडी विल ट्राई टू डोमिनेट यू, सो यू हैव टू क्लोज योर ऑरा और क्लोज योर फील टुवर्ड्स दैट पर्सन. मतलब कि आप अगर कोई आपके साथ बिचे करता है या आपको डोमिनेट करता है या आपको आपका फायदा उठाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती भी हो जाती है कि हम स्पेस ओपन कर देते हैं. तो किसी के लिए भी अपनी स्पेस ओपन करने से पहले बहुत अच्छे से उसको जान लीजिए, पहचान लीजिए, पूरा अच्छे से आप उसका वो कर लीजिए. क्योंकि ये चीज देखिए, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू विद होम यू ट्रस्ट और विद होम यू डोंट ट्रस्ट. सो लेट्स सी ऑन दीज कार्ड्स की और क्या बता रहे हैं कार्ड्स मुझे. थोड़ा सा हम इसके ऊपर डीप इनसाइट भी निकाल लेते हैं. ओके, सो ये कार्ड मुझे बता रहा है अगेन ये ना ये ही बता रहा है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आपको माइंड के थ्रू रूल करेंगे. तो अगर आप अपना माइंड को पक्का रखते हैं, नहीं विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं, अगर विल पावर हमारी स्ट्रांग है तो हमको कुछ भी चीज हार्म नहीं कर सकती है. तो विल पावर को अगर आप अपनी स्ट्रांग रखते हैं तो आप बहुत आसानी से उनको पहचान लेंगे, क्योंकि उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस है आपको टेम करना. मतलब आपको, आपके माइंड को आपको अपने कब्जे में लेना ताकि आप उसको यू नो आप उनके कहे में चले और फिर वो जैसे चाहे आपको मैनिपुलेट करिए. तो यहाँ देखिए ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कोई ऐसा कोशिश कर सकता है लेकिन यू आर वेरी स्ट्रांग, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है और वो जो भी कोशिश है उसको वो वापस पड़ेगी. यानी कि हो सकता है कि आप बिल्कुल एकदम वापस उसको रिवर्ट करें वो चीज, यानी रिवोल्ट करें. तो यही एटीट्यूड आपने रखना है. जो चीज आप बिलीव करते हैं वही मानिए. अगर आपको किसी चीज पे बिलीव नहीं है या आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये चीज सही नहीं है, वो डिसीजन मत लीजिए. खास करके इन्वेस्टमेंट किसी के कहने से मत करिए. डेविल का कार्ड आ रहा है तो मुझे ये भी बता रहा है कि वो ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज नजर आ रही हैं. खास करके मुझे लव लाइफ में ही नजर आ रहा है. देखिए यहां पर भी मुझे यही कार्ड नजर आया है, इसी टाइप का डोमिनेशन का, और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज एंड डोमिनेशन का कार्ड नजर आया है.
तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन। अगेन देखिए यहां पर भी मुझे जो कार्ड नजर आ रहे हैं, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये पास्ट लाइफ से आपके कनेक्टेड है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपकी पास्ट लाइफ सोल से कनेक्टेड है। तो ये जो होते हैं ये रिश्ते कार्मिक होते हैं। तो कार्मिक रिश्तों में हमेशा क्या होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम सही गलत कहाँ जा रहे हैं। हम ट्रस्ट करते जाते हैं इंसान पे, करते जाते हैं, काफी चीजें उस प्रोसेस में लूज भी कर देते हैं इमोशनली, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ, अपना करियर। और ऐसा ही कुछ इंडिकेशन या ऐसा ही कोई वार्निंग मेरे को इन कार्ड्स में बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम रीडिंग इट नेगेटिवली, इट इज समथिंग, इट्स अ वार्निंग। देखिए ये कार्ड आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज समथिंग, यू नो, देयर इज अ लव पार्टनर्स एंड देयर द पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट फॉर द ओन गुड्स, मतलब अपनी नीड्स के लिए, अपनी रीजंस के लिए मैनिपुलेट करना। ये कार्ड ये बता रहा है कि ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो इसके साथ आपके कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्थ रह गए हैं जिसकी वजह से इसमें फंसने का ज्यादा चांसेस है। तो अगर आपने रेकी सीखा हुआ है तो आप अपनी कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं, अगर आपने रेकी नहीं सीखा है तो आप कार्मिक हीलिंग सेशंस ले सकते हैं इफ यू एवर फील। एंड देन जॉब फ्रंट पे या करियर फ्रंट पे कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहां पे एक गुड न्यूज है। और अगर आप इस इमोशनल टर्मोइल या इस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो थोड़े टाइम के लिए आपके लाइफ में आएगी, अगर आप उसको टैकल कर लेते हैं तो देर इज अ वेरी गुड थिंग्स विच द यूनिवर्स इज राइटिंग फॉर यू। सो देर आर दी, यू नो, सक्सेस, देर आर दी ट्रैवल, देर आर दी इंटरनेशनल लीड्स, इफ यू आर इन बिजनेस, इफ यू आर इन जॉब देन इंटरनेशनल जॉब, देर इज, यू नो, लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच द यूनिवर्स हैज ऑलरेडी रिटन फॉर यू। And the angels are blessing you and this is coming in your life. ये opportunities आपकी life में आएंगी। अब situation कुछ ऐसा बन सकता है कि जहां एक तरफ ये opportunities आ रही है वहां आप कहीं ना कहीं emotionally इन situation में कहीं stuck है। वहां आपको अपनी will power, सिर्फ आपकी जो अपनी will power है, ये जो card मुझे बता रहा है, सिर्फ आपकी अपनी will power ही आपको बचा सकती है। और ये card बता रहे हैं karmic healing। तो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ कार्मिक हीलिंग सेशन यू कैन गो, सो दैट यू विल बी रेडी टू टेक ऑल दी गुड थिंग्स विच आर कमिंग इन योर लाइफ। एंड एक और बहुत अच्छी चीज आई है कि जहां कोई इंसान ऐसा है वहां अगर आप अपने पुराने दोस्तों से कट नहीं करते हैं, कहते ना, डोंट फॉरगेट द ओल्ड वंस फॉर द न्यू वंस। यही कुछ सिचुएशन आपके साथ होगी कि कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड या कोई क्लोज रिलेशन जिसको आप बहुत टाइम से मिले नहीं है या जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा रिलेशन था और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपको इस सिचुएशन में सही गाइडेंस देंगे। डिपेंड ये करता है कि सही टाइम पे आप वो सही गाइडेंस समझ लेंगे और अपना लेंगे तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये आपकी लाइफ में जो चीजें आ रही हैं और वो किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ को लेके जाती हैं उसके लिए। एंजल्स की मैसेजेस और देख लेते हैं तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर पॉपअप करते हैं। सो एंजल्स बता रही हैं कि जो लाइफ की छोटी छोटी लग्जरीज हैं, छोटी छोटी चीजें, उनको एंजॉय करिए, बहुत ज्यादा किसी कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़िए, कुछ टाइम अपने साथ गुजारिए, सक्सेसफुल टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है तो आपकी एनर्जीज को वो रिनोवेट करेगा। गुड न्यूज फाइनेंशियल मैटर में, लेकिन आपको कुछ नया चैलेंजिंग करने को मिल सकता है, कुछ नया आपको सीखने को मिल सकता है जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ करेगा, आपको फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी देगा। लवर्स का कार्ड आ रहा है तो अगेन ओके, देखिए यहाँ पे एंजल्स ने मुझे सारी सिचुएशन क्लियर कर दिया। तो यहाँ क्या दिख रहा है, सो यू नो विद द एंजल कार्ड्स एंड विद कंबाइनिंग ऑल द कार्ड्स द सिचुएशन इज वेरी मच क्लियर। आप एक ऐसे स्टेज पे होंगे जहां पे आप कुछ नया एरिया ऑफ स्टडी लेंगे, आप कुछ आपको चैलेंजिंग करने को मिलेगा जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस बूस्ट होंगे और यहां तक चले जाएंगे। और वहां पे आपको छोटी छोटी चीजों को जो आपके पास है उसमें आप एंजॉय करिए, कुछ टाइम आप अपने साथ स्पेंड करिए ताकि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो और आपको सही टाइम पे गाइडेंस मिले। यहाँ एक इंटीमेट रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है तो ये दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में कोई आए जिसके साथ आपके रिलेशन्स हो और वो आपके पास्ट कर्मा से रिलेटेड हो, जिसमें जानते हुए भी कि रिलेशन मेटलाइज नहीं होगा, सही नहीं है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घसते चले जाएं।
यहाँ आपको अपने आप को अपनी विल पावर से, जो कि मुझे यहाँ पे बैलेंसमेंट एंड विल पावर का कार्ड आ रहा था, यहाँ आप अपनी विल पावर से और अपने किसी क्लोज वन की सलाह से ये आप अगर इस चीज को मूव ऑन करते हैं, मतलब इस सिचुएशन को टैकल कर लेते हैं और इस रिलेशनशिप में बहुत डीपली नहीं जाते हैं, अपने जो डिसीजन है उनको केयरफुली वे कर लेते हैं, तो आप इस में पढ़ने से बच जाएंगे और आपकी जो भी सिचुएशन है वो एंड हो जाएगी, मतलब जो बैड सिचुएशन है वो एंड हो जाएगी। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मूव ऑन का कार्ड आ रहा है। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए, जहाँ पे प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है वहाँ प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, जहाँ पे आपको पता है कि आप सही है वहाँ वो करिए, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस बना के रखिए। सो नाउ द थिंग्स आर वेरी क्लियर दैट व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, व्हाट मेजर्स यू हैव टू टेक एंड हाउ यू हैव टू मूव ऑन इन द लाइफ। तो ये था पाइल तीन वालों के लिए। बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं। हम कम्युनिटी सेक्शन पे पोल करते हैं ताकि आपकी चॉइस का टॉपिक लाएं। कई बार ऐसा होता है कि पोलिंग में एक ही टॉपिक को मिल रहा है, दूसरे टॉपिक को बहुत ही कम रेटिंग मिलती है, इसलिए वो पोल दोबारा करना पड़ता है। तो आप मुझे अलग से YouTube में कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी उस टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाऊंगी। ये रीडिंग्स आपके बेनिफिट के लिए होती हैं ताकि आप फ्री रीडिंग्स का फायदा उठा सकें। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, रेसोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। एडवाइजेबल ये रहता है कि आप पर्सनल सेशंस बुक कराइए। पर्सनल सेशंस पेड होते हैं, कोई क्वेश्चन फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ मैं, वन क्वेश्चन रीडिंग्स टू क्वेश्चन रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सेशंस होते हैं या तो 30 मिनट्स के होंगे या 60 मिनट्स के होंगे। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करिए कि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में भी, और जो भी चीज मैं आपके लिए फ्री लेकर आती हूँ वो मैं अपने विल से लेकर आती हूँ, अपने विश से लेकर आती हूँ, बट उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। कोई भी काम अपना फ्री में नहीं करता है, क्योंकि आप अपने कर्मास जनरेट कर लेंगे अगर आप फ्री में लेंगे या फ्री में देंगे। सो प्लीज इस चीज को आप डिग्निफाइड तरीके से एक्सेप्ट करिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पे दीजिए, सीखना चाहते हैं तो क्लासेस भी ऑनलाइन अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल।